ऑल राइट, सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेसर ऋषभ। और आज कंपैरिजन में लाए डोमिनार 400 और यहाँ पे BMW G310। सो कंपेयरिंग अ मोटरसाइकिल विद अ प्राइस टैग ऑफ 330 अप्रॉक्स एंड 270, तो वैल्यू फॉर मनी इधर साइड भी है और वैल्यू फॉर मनी इधर साइड भी है। दोनों का एक क्विक कंपैरिजन बताऊंगा, आपके बजट में, आपके जो प्राइस फ्रेंडली बजट होगा उसमें दोनों में कौन सी बैठेगी। और एक्चुअली वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं जस्ट बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इस वजह से, बट रेगुलर वीडियोस आने चालू हो जाएंगे बहुत जल्द। एनीवेज, वेल वी हैव दीज टू और इसके ऊपर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले हम लोग कुछ सिनेमैटिक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे BMW G310 है एंड इधर है अपने पास द डोमिनार 400। दो वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है जो कि मेरे सामने, एक टूरर आता है। टूरर में आपको कुछ टूरिंग मॉड्स देखने को मिल जाते हैं लाइक वाइजर एंड टॉप रैक ओवर देयर, और काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन आपको उसमें देखने को मिल जाता है बाय बजाज इटसेल्फ। सो इन दोनों के ऊपर आज कंपैरिजन करेंगे। अपसाइड डाउन सस्पेंशन दोनों भी देखने को मिलते हैं आपको, मोनोशॉक सस्पेंशन दोनों को देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन के मामले में बात करें तो BMW को मैं प्लस पॉइंट दूंगा, इसके सस्पेंशन थोड़े से स्मूथ है और इसके थोड़े से स्टिफ आपको देखने को मिल जाते हैं, बट इसके सस्पेंशन थोड़े और अच्छे हैं, ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो परफॉर्मेंस दोनों का ही काफ़ी हिसाब से अच्छा है, दोनों का इंजन अपने हिसाब से काफ़ी बेटर है। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करें, जो इंजन टू हर्ड कनेक्शन होता है जो आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दे सकती है, वो ये मोटरसाइकिल दे सकती है, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। एज़ यू गेट अ BMW प्रोडक्ट, तो रिफाइनमेंट एंड रिलायबिलिटी तो कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि इसका इंजन आपको रिफाइनमेंट या रिलायबिलिटी नहीं दे सकता है, आप इसको मेंटेन करोगे तो वो भी दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग बजाज इतना जल्दी नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो रिलायबल वो नहीं बन पाता है। बट अगर आप मेंटेन करोगे तो इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू काफ़ी सही है, बट इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू काफ़ी सही है इससे कंपैरिजन में, काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म रिव्यू BMW G310R का। लाइट सेटअप के ऊपर हम लोग बात करते हैं, फ्रंट से लाइट सेटअप देखा जाए तो इसकी भी LEDs काफ़ी बढ़िया हैं और यहाँ पे बस कुछ LEDs में पूरा किया गया है इस लाइट सेटअप को, और यहाँ पे अप्रॉक्स 7 to 8 or 9 समथिंग LEDs इसमें दी गई हैं। लाइट के फोकस की अगर हम लोग बात करें तो जो अबव 3 lakh का प्राइस सेगमेंट है, मुझे इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं 300 से 400 cc की मोटरसाइकिल में कोई भी बाइक उठाऊं तो BMW की जो बाइक है G310 और GS310, सो यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो काफ़ी बेटर है, इसका जो लाइट फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छा आपको नाइट फोकस और डे फोकस तो है ही, और नाइट फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस मोटरसाइकिल का। आपको एक्स्ट्रा लाइट इसमें लगाने की नीड नहीं है, आप सिंगल लाइट से टूर कर सकते हो और रात में बहुत अच्छा विजन पा सकते हो इस लाइट से। सो 300 से के सेगमेंट में मुझे इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, BMW की लाइट बेस्ट है अपने प्राइस में। बाकी इसके ऊपर बात करें तो ऐसा नहीं कि इसकी बेकार है, इसकी भी लाइट काफ़ी अच्छी है, बट मैं फोकस के ऊपर बात करूँ तो मुझे इसका फोकस ज़्यादा अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू लाइट, राइट। एंड थोड़ा सा ऊपर हम लोग सीट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो सीट BMW का अगेन प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, तो BMW की सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो डोमिनार की है उसमें आपको फ्रंट तो आपको देखने को अच्छी मिल जाती है, बट को पायलट के लिए या को राइडर के लिए उतनी भी खास नहीं है। एग्जॉस्ट में मैं प्लस पॉइंट दूंगा डोमिनार को, इसका एग्जॉस्ट मुझे उतना खास नहीं लगता जितना सुनने में है, ऑल्दो बाइक काफ़ी अच्छी है बट एग्जॉस्ट उतना खास नहीं मुझे सुनने में लगता है, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। एंड जो डोमिनार का है ट्विन बैरल एग्जॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड आता है, लगता है कि एक बड़ी मशीन आ रही है दूर से, तो साउंड काफ़ी अच्छा है। प्लस पॉइंट अगेन डोमिनार को इसमें जाएगा क्योंकि एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड बात करें प्लस पॉइंट डोमिनार को अगेन जाता है क्योंकि 270,000 में आपको इतना पावरफुल मोटरसाइकिल देखने को मिल जाती है, एक लो ट्यून ड्यूक 390 का इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और पावर फिगर के मामले में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर है। प्लस हम लोग इंजन के ऊपर भी हम लोग दोनों की बात कर लेते हैं तो क्या क्या आपको इंजन में देखने को मिल जाता है, राइट। एंड चलते हैं थोड़ा सा इंजन के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो यहीं पर आपको 39.42 BHP देखने को मिल जाता है जो कि 800 RPM पर जनरेट होता है, वहीं पे आपको 33.52 BHP देखने को मिल जाता है जो कि 9,250 RPM पर जनरेट होता है, 35 Nm ऑफ टॉर्क, 28 Nm ऑफ टॉर्क, दोनों BS6 कंप्लाइंट इंजन किए हैं। एंड आपको जो CC देखने को मिलता है 373 CC देखने को मिल जाता है, 313 CC इसमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और ऊपर हम लोग बात करते हैं, बाकी 6 स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स दोनों में आपको देखने को मिल जाती है,
इसमें आपको असिस्ट और स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है इसमें, और उसमें भी आपको सेम स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे डोमिनार में आपको 13 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, बट 11 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी उसमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा माइलेज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो माइलेज अगर देखा जाए तो इसका ये 25 से 30 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। सेम इसका आपको 25 से 32 तक ये देखने को मिल जाता है। कस्टमर रिव्यू में मैंने 32 तक जाना है तो मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, बाकी आपको 25 से 30 इसका माइलेज देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड के ऊपर बात करें तो मैंने अप्रॉक्स इस मोटरसाइकिल को 164-165 तक टच करवाए, इसको मैंने 174 तक टच कराया। अगेन प्लस पॉइंट इसको जाता है। डुअल चैनल एबीएस दोनों में देखने को मिलता है। फ्रंट ब्रेक आपको 320 mm का देखने को मिलता है, उसका आपको 300 mm का देखने को मिलता है, बाकी आपको 230 mm का रियर ब्रेक देखने को मिलता है साइज़, और 240 mm का उधर साइड देखने को मिल जाता है, एंड बाकी आपको 17 इंचेस के अलावा देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ दोनों का ही सेम है, 100x70 R17 फ्रंट में आपको दोनों में देखने को मिलता है, 150x60 R17 आपको रियर में देखने को मिल जाता है दोनों में एक्चुअली। एंड थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आगे, तो आपको ट्यूबलेस और रेडियल टायर दोनों ही में देखने को मिल जाते हैं, बाकी आपको USD सस्पेंशन दोनों में देखने को मिल जाते हैं। इसका 43 mm का ट्रैवल है, इसमें आपको 41 mm का ट्रैवल देखने को मिल जाता है। एंड वेट के ऊपर बात करते हैं तो 193 kgs इसका वेट है, काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, काफ़ी ज़्यादा वेटेड मोटरसाइकिल है, और चलाने में भी समझ में आता है कि वेट काफ़ी है मोटरसाइकिल में। इसका वेट काफ़ी सही है, 164 kgs का आपको वेट देखने को मिल जाता है। कर्व वेट इसका काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा सीट हाइट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको 800 mm की सीट हाइट इसकी देखने को मिलती है, और 785 mm की सीट हाइट इसकी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल जाता है। इसका थोड़ा सा और आपको ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको यहाँ पे टैकोमीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज देखने को मिलता है, साइड स्टैंड डाउन, तो साइड स्टैंड अलार्म सेंसर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट इंक्लाइंड इंजन इसमें देखने को मिलता है, रिवर्स इंक्लाइंड इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जिससे कि वेट थोड़ा और कम हो जाता है। एंड इधर साइड आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलता है, इवन इधर भी आपको देखने को मिलता है, इधर टाइम देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको बेसिक लाइट्स देखने को मिल जाती है। आरपीएम की लाइट मुझे इतनी खास नहीं लगती है जितनी इसकी खास लगती है, जो कि इधर इसकी आरपीएम लाइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी देखा जाए तो लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल बराबर ही है, सर्विस रिमाइंडर दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। एंड आपको दो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे ट्रिप वन मीटर, ट्रिप टू मीटर, एंड यहाँ पे इन्फोमीटर, अगेन ओडोमीटर, और यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा लोडेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, इसका हम थोड़ा दिखाते हैं। इधर साइड है, इधर अगेन आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज देखने को मिलता है, ओडोमीटर, ट्रिप वन मीटर, ट्रिप टू मीटर, और यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे रेंज, एंड यहाँ पे कंसोल बन, और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे डेट, यहाँ पे सेटअप, और यहाँ ओडोमीटर, और यहाँ पे टाइम मीटर, यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ एबीएस की लाइट, यहाँ इंजन वार्निंग लाइट, यहाँ बैटरी लाइट, यहाँ पे आपको आरपीएम लाइट, अगेन यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, यहाँ लो फ्यूल इंडिकेशन या हाई बीम, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स। इंडिकेटर के मामले में बात करूँ तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दिखने में भी लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इंडिकेटर इसमें मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एक अलग ही इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, एंड इसका आपको नॉर्मल LEDs देखने को मिल जाते हैं, बट इसका जो इंडिकेटर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे BMW की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सारे पैसे इसी के हैं। सो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है दोनों ही में। अगर हम लोग बात करें वैल्यू फॉर मनी की, तो एक पल के लिए मैं एग्जॉस्ट सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। आपको इसमें मिशलिन के टायर देखने को मिलते हैं, ये बात मैं पहले बता दूं, और यहाँ पे इसमें MRF देखने को मिल जाता है। इसको न्यूट्रल करते हैं, इसका साउंड सुनाते हैं एक बार। इसमें आपको MRF रेस के रेडियल टायर देखने को मिलते हैं, और उसमें मिशलिन देखने को मिलते हैं, तो ग्रिपिंग के मामले में इस मोटरसाइकिल का कंपैरिजन नहीं है इससे। ग्रिप के मामले में ये टायर ज़्यादा बेटर है MRF से। बाकी स्टार्ट करते हैं इसमें, अगेन साउंड इसकी ज़्यादा लाउड है अगर हम लोग इसके कंपैरिजन में देखें तो। ट्विन बैरल है, ऑलरेडी साउंड ज़्यादा होगी। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, टूरिंग के मामले में कौन बेटर है। टूरिंग के मामले में दोनों ही बेटर हैं। लॉन्ग टर्म इंजन रिव्यू में बात करूँगा तो BMW का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार। बाकी सीट्स के मामले में वो थोड़ा कंफर्टेबल है, इसका राइडर कंफर्टेबल मिलेगा, लेकिन को पायलट के लिए सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है। टूरिंग में आप दोनों के उतारोगे तो टूरिंग में बराबर परफॉर्मेंस दिखाएंगी, सामान दोनों ही बराबर लोड कर सकती हैं। एंड वैल्यू फॉर मनी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैं प्लस पॉइंट दूंगा डोमिनार को।
एज बिकॉज अगर आप ये मोटरसाइकिल लेते हो तो आपको एक प्राइस टैग रखना पड़ेगा 3,30,000। ये मैं ऑन रोड के ऊपर बात कर रहा हूँ, इतना तक को आपको प्राइस टैग तो इतना रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रोडक्ट मिल पाएगा। ऑल दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और BMW की ब्रांडिंग है, हर कोई एक लग्जरी ब्रांड में उतरना चाहता है। बाकी हम लोग वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे तो 2,60,000 से 70,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट फीचर वाइज देखा जाए सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फीचर अपग्रेड है इसके अकॉर्डिंग, बट वैल्यू फॉर मनी मैं इसको कहूँगा। बाकी आप क्या प्रेफरेंस देते हो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम लोग वीडियो यहाँ सेंड करते हैं, तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। सो वीडियो चले के दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड अ रेसिप एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।